तो निकल चुके हैं हम गलियों में तैयार होके, धूप बहुत तेज है। हमने ना यहाँ से लेफ्ट जाना है क्योंकि यही पर बैंगला रोड वो स्ट्रीट है। चार्जिंग भी कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग, वाओ। करेंसी एक्सचेंज भी यहाँ पर आप करा सकते हैं अगर आपके पास करेंसी की शॉर्टेज पड़ जाए तो। ये करेंसी के कन्वर्जन रेट्स हैं। ये टेस्ट करा रहे हैं आइसक्रीम। और बहुत ही अच्छी उसने खुद बनाई हुई थी, आई थिंक कोकोनट से बनाई है, बहुत डिलीशियस। कोई क्रीमी या मिल्की फ्लेवर नहीं था, कुछ अलग ही टेस्ट आया। खाने के मामले में अच्छा माना जाता है यहाँ पर, फूडीज बहुत हैं। हाँ, खाना इनका और यम होता है इनका, स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा होता है, आपको टेस्ट हर जगह करके दिखाएंगे। ये सारी मार्केट ही है, 7-Eleven के स्टोर भी है। ये मार्केट यहीं से स्टार्ट हो जाती है, 7-Eleven हर जगह ही है यहाँ पर, देख सकते हैं। हाँ, पहले तो खाना खा लेना हमने। ये रहा Novotel, ये आसपास ही है सारे। ये रही गाड़ी जो मुझे बहुत पसंद है, ये आ गया 7-Eleven। चलो पता करें। अच्छा, इसमें कोड है। हाँ, कैसे नहीं चलते, ट्राई करते हैं, ये कुछ डिफरेंट है। यहाँ पैक्ड फूड आप गरम करा के खा सकते हो। सॉसेजेस हैं ये, बर्गर है कि नहीं, किस चीज का बर्गर है? इस पे लिखा है बर्गर बंस विद चिकन वेजिटेबल्स एंड चीज। तो मैंने अभी पार्ट को ना ये पढ़कर बताया कि इसके अंदर ब्रेड और वेजिटेबल्स और चिकन, देख रहे हो आप क्या लिखा है इसमें, और इसको मैंने मान लिया, मेरे को आती है खाई। अच्छा, एक ये पॉर्क लिखा है, पॉर्क वाला खिलाने वाली थी तुम मुझे, पॉर्क चीज बर्गर। पॉर्क चिकन नहीं है, पॉर्क है ये। मुझे फिश चिकन मिल जाएगा, चिकन नहीं यार, ब्लैक पेपर तो फिर वो हो जाएगा। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं ये वाला चिकन, डबल चिकन एंड चीज़ बर्गर ले रहा हूँ, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 42 बाट। पानी भी आप खरीद सकते हैं यहाँ पर, 7-Eleven पसंद हमेशा आता है ना। कुछ खाने पीने का मिल जाता है ना, इट्स भी है। अच्छा, क्रैब्स नहीं, वेज वाले भी होंगे, ये फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स वाले भी हैं। पूछ लेते हैं, हीट तो कर ही देंगे। हाँ, ये तो 24/7 होता है ना 7-Eleven। क्रोसॉन्ट, क्रोसॉन्ट लो ना, ये देखो बटर क्रोसॉन्ट इंग्लिश में लिखा है, एग टार्ट, चोको क्रोसॉन्ट, आलमंड क्रोसॉन्ट, क्रोसॉन्टी क्रोसॉन्ट, पैटीज है ना। इसमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी कौन सी है, नहीं ये खुद ही बनाएंगे, हमें पता नहीं है ना यार। अच्छा, ये खुद बनानी पड़ेगी, नहीं पहले बिलिंग करानी पड़ेगी ना, रुको ये पूछ लो ना कि कैसे होता है। तो इसकी कॉस्ट है 20 बाट, जो ये बना रही है चिकन की है 42 बाट। ट्वेंटी बाट अगर आपको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, इट्स 50 रुपीज़ ओनली। एंड 42 बाट का मेरा चिकन आया, एंड कॉफ़ी इज 50 एंड 55 बाट, जो भी हम पी रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी। आरती ने मोका करी, मैंने एक्सप्रेसो करी। गर्म पानी आ गया, डेट्स इट। अच्छा, ये मिक्स करूँगी, खुद ही बनाना पड़ता है। नहीं, गरम कर दिया है। ये माइक्रोवेव सेफ पैकिंग होती है, गरम कर सकते हैं। हेलो, कैसा है? अच्छा डिसीजन है ये। तो ये बात की एक्सप्रेसो है जो नॉर्मल लग रही है, और मेरी मोका ज़्यादा वो लग रही है। नहीं, and he's having this and मैं अभी ये खाऊंगी। ठीक है, वोटिंग चल रही है, मंडे नाइट लड़ाई होगी, ये भी अलग ही चलता है यार।
के साथ क्या मजाक हो गया, मैंने बोला भी था लिटिल आइस, उसने मोर आइस कर दी। ये देखो कॉफ़ी तो इतनी सी थी, आइस सारी आइस ही भरी हुई है, मुझे बैठ के बनवानी पड़ेगी कॉफ़ी, कहीं और ट्राई करेंगे। तो मैंने कोरियन मैंने ये 7-Eleven से ट्राई करी है, इसमें बस गर्म पानी खुद से डालो बन जाती है, और स्पाइसी है पर नमक कम है थोड़ा सा, तो अच्छी है। मैंने बहुत सारी ना पानी डाल दिया, मेरा सूप बन गया। तो ये बोल रहे हैं कि आपने पी ली इसलिए मतलब अब हम चेंज नहीं कर सकते, और आइस देखना कितनी ज़्यादा डाली हुई है। बोलो पटांग हैपनिंग तो है यार, वाइब ही अलग है यार यहाँ की ना, वाइब पटाया और बैंकॉक से बहुत अलग है, कहीं भी जाए हम तो हमें वाइब अलग मिलती है। ये फ्रूट शॉप है, लॉन्ड्री, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन, कितने यहाँ पर टूरिस्ट के देखो लगे हुए हैं, आएंगे अभी यहाँ पर पता करेंगे सारा कुछ, कपड़े भी हैं अभी इस पर भी आएंगे हम, और ये मसाज के लिए भी बैठे हैं। रियल लग रहा है ये देखो, वाओ टाइगर रेस्टोरेंट, नाइस। ये वेलकम कर रहे हैं, द मेन्यू अच्छा है यार, मार्केट एरिया बड़ा अच्छा है इनका ना, टाइम स्पेंड करने के लिए। तेरी फिश, लॉबस्टर, स्क्विड, ऑयस्टर, कलरफुल देखो कितने, प्रॉन्स भी हैं, देखो कितने मिक्स फ्रूट, ये कितना बढ़िया। मार्केट में इतना कुछ है यार, यहीं से मन मतलब लग रहा है कि हम यहीं पर ही घूमते रहे। यहाँ अंदर भी है, अच्छा ये मार्केट है पूरी बाद में। हाँ इतना मजा आ रहा है यहाँ पर मुझे ना, अम्ब्रेला हमने ऐसे उठा लिया, हम यूज़ तो कर नहीं रहे। नहीं अभी हम छाया वाली साइड पे हैं, बीच पे जाएंगे तो तब तक आई थिंक सनसेट होना शुरू हो जाएगा, तो ठीक है अगर नहीं होती तो भी तो प्रॉब्लम होती। यस तो है तो कुछ यार हैपनिंग है, जो भी बोलो फुकेट इज वेरी हैपनिंग। टूर बुकिंग सेंटर, बिग बुद्धा, माया बे सी, बहुत कुछ है, शूज भी है यार, चप्पलें भी मेरे को शायद मिल जाए। ये क्या हो रहा है? ये कोई बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है जिस पे हमेशा गोरों की लाइन लगी रहती है। Thank you.
पटोंग बीच। यही बांग्ला, देखो बांग्ला मार्केट है ये। फूड देखो कितना चलता है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए चेयर्स लगा रखी है। अरे शो होता है। अच्छा रेस्टोरेंट्स हैं ऐसे। ऑनर भी अच्छा खासा आता है यहाँ पर। हाँ हैपनिंग बहुत है ना, हैपनिंग बहुत है ना। नहीं पटाया मैं भी। हाँ यहाँ पर फॉर्नर पटाया में था इतना। लोग नंगे पिंगे ही घूमते हैं, बॉडी है ना इन सबकी, बॉडी हो तो नंगे पिंगे घूमते रहो। मैकडॉनल्ड्स कितना वो लग रहा है ना। ठीक है, हमें स्कूटी की वैसे जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर वॉकेबल था आपने इस स्ट्रीट में। हार्डली 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर है अपने होटल से पूरा ये स्ट्रेच, और सारा वॉकेबल है, सारा मार्केट ही है ये। अपनी प्रमोशन के लिए आगे मंडे नाइट बॉक्सिंग स्टेडियम, ये सही है यार, ये मिलेंगे, चलो चलेंगे मंडे नाइट, लड़ाइयाँ देखेंगे, फ्री है। तो जो बॉक्सिंग का मंडे जो होना है मैच, इसकी प्राइस है 1500 baht पर पर्सन, और इसमें टी शर्ट भी मिलेगी एक, और ये प्लेयर्स है जिसकी बहुत प्रमोशन कर रहे हैं। 1500 baht मीन्स 3750 पर पर्सन, मतलब दो पर्सन का करीब 7500 rupees, बहुत एक्सपेंसिव है।